come back to my classes और ये जो chapter है आप लोग पढ़ने वाले हैं और book में हम लोग को देखना है. 7th chapter app में complete हो चुका है और आज हम लोग 8th chapter लेने वाले हैं how free is the press. तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे how free is the press का. चलिए तो हाउ फ्री इज द प्रेस हम लोग देखेंगे. चलिए तो हम लोग बात करने वाले हैं आज जो चैप्टर है वो है हाउ फ्री इज द प्रेस. ठीक है, हाउ फ्री इज द प्रेस, इसमें प्रेस के बारे में बताया गया है कि प्रेस किन किन मामलों में स्वतंत्र है. और इसको लिखने वाले जो हैं वो है डोरोथी एल सेयर्स, जिनका जन्म 1893 में हुआ था और मृत्यु 1957 में हुई थी. वो एक एसीएस्ट थी और उन्होंने प्रेस के बारे में बहुत कुछ बताया है. जैसे कि हम जानते हैं कि प्रिंट मीडिया होता है, जैसे कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है, तो इन सब चीजों के बारे में जैसे हम लोग आजकल आप जानते होंगे कि न्यूज चैनल का प्रभाव या न्यूज पेपर का प्रभाव कितना ज्यादा है कि हम उसी से डिसाइड करते हैं कि आगे क्या होने वाला है. तो इन सब चीजों को समझने के लिए इन्होंने काफी पहले एक चैप्टर लिखा था हाउ फ्री इज द प्रेस. मेरा मानना है कि अगर आप इस चैप्टर को शुरू से लेकर अंत तक पढ़ लेंगे तो आपको प्रेस से नफरत हो जाएगा, क्योंकि जो हमें दिखाया जाता है, जो हमें बताया जाता है, क्या वो सच है? ऐसा नहीं होता है. मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा पहले ब्रीफ कर देता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मेरे कहने का तात्पर्य क्या है. आइए जरा ध्यान से देखिएगा, मैं चीज को समझाता हूं. मैं कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि हम लोग बिहार में रहते हैं और बिहार में रहने के बाद जो यहाँ का सबसे फेमस न्यूज पेपर है वो है हमारा हिंदुस्तान. अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है बच्चे कि हिंदुस्तान पेपर का मूल्य कितना है? 4 रुपया, 4 रुपीज इसका मूल्य. क्या आपको पता है कि जब एक पेपर छपता है तो उसका कॉस्ट कितना होता है? तकरीबन 10 से 12 रुपये. तो फिर ये लॉस में क्यों बेचती है? सवाल नंबर 1. आपको सोचकर बताना है कि एक पेपर में इतना रंगीन कागज है, जितनी महंगाई में आप देख सकते हैं कि 12, 13, 14, 15 पेज का अखबार छपने में जो उसकी कीमत होती है वो तकरीबन होती है बच्चे 10 से 12 रुपए. तो फिर वो 4 रुपए में क्यों बेचती है? आपको सोचना होगा. दूसरा क्वेश्चन में रहिए, ये क्वेश्चन आप सभी विद्यार्थी के युवा वर्ग के लिए दिया जा रहा है. आप सब पेपर पढ़ते हैं, क्या मैंने आपको कभी पेपर पढ़ते देखा है? फिर भी मैं दावे के साथ कहता हूं कि जब आप पेपर पढ़ते हैं तो आप फर्स्ट पेज के बाद सीधे लास्ट पेज पढ़ते हैं और लास्ट पेज से उलट उलट के पीछे से पेपर पढ़ते हैं. बोलिए सही की गलत? बोलिए सही की गलत? क्यों ऐसा होता है? यानी न्यूज पेपर आपके नस्ल को पकड़ता है. एक बात बताइए, न्यूज पेपर में क्या हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ होता है कि नहीं होता है? होता है ना. जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेरे कोचिंग में कोई लड़का आएगा तो वो सिर्फ अंग्रेजी पढ़ने के, मैंने क्या बोलते हैं उसको, चेष्टा से आया कि हम अंग्रेजी पढ़ना है. यानी मैं हर लोगों के लिए नहीं बना. जैसी बात है कि आपके पिताजी नहीं आते हैं, लेकिन आप जरा न्यूज पेपर उठा के देखिएगा, पिताजी भी पढ़ सकते हैं, माताजी भी पढ़ सकती है. माताजी के लिए राशिफल, पिताजी के लिए लोकल न्यूज, आपके लिए हीरो हीरोइन, बच्चा सबके लिए खेल तमाशा, चुटकुला, चंपक तंपक का आर्टिकल. यानी न्यूज पेपर में
हर पैकेज दिया जाता है इन सब चीजों को समझने के लिए, यानी वो क्या करता है, अपनी मोनोपोली करता है, अपनी मोनोपोली करता है, और वो हमें यह दर्शाता है कि मेरे बिना ये जनता अधूरी है। आप सुबह सुबह चाय के साथ पेपर पढ़ना, ये चुस्की लेना, ये एक आदत बन चुकी है, ये एक सबक बन चुका है, और उसमें बोल वाला उनका होता है जिनका सर्कुलेशन ज्यादा होता है। जिस पेपर का सर्कुलेशन सबसे ज्यादा होता है, उसी पेपर का सर्कुलेशन सबसे ज्यादा होने की वजह से उसकी मोनोपोली सबसे ज्यादा होती है मार्केट। ठीक है, तो बहुत सारी पहलू है जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करेंगे थोड़ा आ जाइए वर्ड मीनिंग्स के ऊपर। तो सब कोई वर्ड मीनिंग जरा लिखना शुरू कर दीजिएगा। वैसे 12th की जादू में मैंने दिया हुआ है मेरा बुक, अगर आप लाए हैं अच्छा 12th के जादू में सारा दिया हुआ है, बट एक बार फिर से हम प्रीकैप करा देते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो सबसे पहले हम लोग कुछ देखना है, ठीक है, आइए समझते हैं। कहता है डोरोथी ले सेयर्स 1853-1957 to graduate from Oxford University. जी हाँ मेरे दोस्तों, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पहली महिला ग्रेजुएट यह हुई थी। Her published works include Clouds of Witness, Unnatural Death, Lord Peter Views the Body, Nine Tailors, Gaudy Nights. She has edited great short stories of detection and published a component verse translation of Inferno. In this essay, How Free the Press, she writes with clarity of thought to make a strong case against misreporting by the press or against the misuse of the freedom of the press. इस चैप्टर में बताया गया है कि किस प्रकार एक प्रेस अपने पावर को मिसयूज करता है और लोगों को बरगलाता है, कैसे मिस रिपोर्टिंग की जाती है ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा खरोच दिया जाए और आप विवश हो जाए न्यूज़पेपर की बातों को मानने के लिए, उसके बातों को समझने के लिए, उसको खरीदने के लिए। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, मान लीजिए कि कहीं पे भूकंप आया और 100 लोग मरे, तो वो ये नहीं कहेगा कि काठमांडू में भूकंप आने से 100 लोग मरे, उसका हेडिंग होगा जलजला तबाही 100 मरे। ऐसा क्यों होता है? तो वो उसको इतना चटपटा बनाता है रिपोर्टिंग। आप 10 न्यूज चैनल को देखिएगा, किसी पर दिखाएगा 97 मरे, किसी पर दिखाएगा 96 मरे, और सब कहेगा कि नंबर वन मेरा रिपोर्ट सही है, सबसे पहले फलाना तक पर, सबसे पहले कल तक पर, सबसे पहले। मैं किसी न्यूज चैनल का नाम नहीं ले सकता हूं, लेकिन मैं ये बताता हूं, ये डोरोथी एल्सेयर्स ने बहुत पहले इस चीजों को समझा दिया कि हमें जो दिखाया जाता है ना, हम उसको देखते हैं। अब एक बात बताइए, न्यूज चैनल में एक वर्ड इस्तेमाल किया है टीआरपी। क्या होता है? तो भैया जितना ज्यादा टीआरपी बढ़ेगा उतना ज्यादा डिमांड होगा। अब एक बात बताइए, एक लड़का कुआं में गिर गया, उसको लाइव टेलीकास्ट करके मिर्च मसाला, क्या ये जिएगा, क्या ये बंदा बचा सकता है, ये होगा वो होगा, अल्लाह करे भगवान लेकर बचा ले जाता है। आप खाना पीना छोड़ के टिकट पकड़े हुए, अब बीच में पर्चा आया था, कभी सोचे दिखाते रह जाता है, बीच में 10 पर्चा आ गया, जानते हैं क्यों? टीआरपी उसका ज्यादा है, लोग ज्यादा देख रहे हैं, पैसा कमा रहा है, वो अपने सेंटीमेंट से खेल रहा है, बच्चे का बचाना उसके, अब लोग कोई बाढ़ में डूब रहा है तो उसको बचाएगा नहीं, जाके माइके लेगा, बता गया माइके लेगा, कहेगा आपको बाढ़ में डूबते हुए पैसा लगेगा, छोटा पैसा रहता है मर रहा है तो कैसा है, गजब बात करता है, आपको डूबते हुए मजा आ रहा है, इस तरह से थोड़ी होता है जी। ठीक है, तो इस चीजों को समझना होगा बच्चे, कि बहुत सारी बातें बताई गई हैं इस न्यूज चैनल में, न्यूज चैनल के बारे में। आई होप कि आप लोग मेरी बातों से सहमत होंगे जो मैंने बताया। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजों को समझना है, कुछ चीजों को देखना है कि
न्यूज पेपर में दो क्वेश्चन याद रखिएगा कि छपाई कॉस्ट से कम में क्यों बेचता है अगर उसको प्रॉफिट नहीं। तो इन बहुत सारी गुत्थियों को सुलझाने के लिए आइए हम लोग शुरू करते हैं अपना चैप्टर हाउ फ्री इज द प्रेस। कहता है पहला स्टेंजर कहता है, मैं आपको बता देता हूं कि जो मेरे बच्चे हैं दो चीज ध्यान रखेंगे, ऐप से जुड़े रहेंगे क्योंकि सारा चैप्टर ऐप पे आपको मिलेगा। दूसरी बात कि आपको 12th का जादू बुक ले लेना है क्योंकि उसमें टोटल इसका हिंदी समरी टोटल चीज हम दिए हुए, ठीक है ना, टोटल वर्ड मीनिंग दिए हैं, क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट नोट सारा चीज, जो भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आप ऐप और मेरा बुक दोनों चीज ध्यान रखिए, आपका नंबर कितना बेस्ट आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते, बस आपको मेहनत करना है। आइए ध्यान से, कहता है दैट विदाउट अ फ्री प्रेस देयर कैन बी नो फ्री पीपल इज अ थिंग दैट ऑल फ्री पीपल टेक फॉर ग्रांटेड, वी नीड नॉट डिस्कस इट नॉट विल we at this moment discuss the restriction placed upon the press in the time of war, at such times all the liberties have to be restricted, free from must see to it that when peace comes full freedom is restored, in this meantime it may be wholesome to consider what the freedom is and how far it is truly desirable. It may turn out to be no freedom at all or even a mere freedom to trannies from tramming is in fact the uncontrolled freedom of one man or one gang to impose its will on the world. कहने का मतलब है कि बिना स्वतंत्र प्रेस के हमें ये कंसीडर कर लेना है कि बिना पेपर के स्वतंत्रता के बीच बावजूद हम जीवन जी ही नहीं सकते। हमारे यहाँ पे जो चीजों को समझना है वो थोड़ा हम और नैरेटिव में चलेंगे, तो आपको क्या करना होगा, एक स्टूडेंट आ जाइए स्टेज पर, लेके आइए, स्वतंत्र प्रेस के बिना नहीं आए हैं, आपको ले जाना चाहिए था ना, दो गो है एक गो इसको दे दीजिएगा, आइए आप एक लेख पढ़िए, मेरा है हो गया आपका जमा किए हैं कि स्वतंत्र प्रेस के बिना स्वतंत्र लोग नहीं हो सकते, यह एक ऐसी बात है। माइक का कनेक्शन करो ना, ऑन करना
हेलो यह गीत स्वतंत्र प्रेस के बिना स्वतंत्र लोग नहीं हो सकते, एक ऐसी बात है जिसे सभी स्वतंत्र लोग निस्संदेह स्वीकार करते हैं। यानी इस चीज को मान लेना है कि एक स्वतंत्र प्रेस के बिना स्वतंत्र भारत का निर्माण हो ही नहीं सकता। इनमें इसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है, ना इस क्षण हम प्रेस पर युद्ध के समय थोपी गई पाबंदियों की चर्चा करेंगे। ऐसे अवसरों पर सभी स्वतंत्रताओं को रोक दिया जाता है। स्वतंत्र लोगों को निश्चय यह देखना चाहिए कि शांतिपूर्ण आजादी हो सकती है तो यह पुनः स्थापित हो जाता है। यानी कि हम यह मानेंगे कि एक स्वतंत्र प्रेस के बिना स्वतंत्र लोग नहीं हो सकते, यह एक ऐसी बात है जिसे सभी स्वतंत्र लोग निस्संदेह स्वीकार करते हैं। हमें इसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है, ना ही इस क्षण हम प्रेस पर युद्ध के समय थोपी गई पाबंदियों की चर्चा करेंगे। ऐसे अवसरों पर सभी स्वतंत्रताओं को रोक दिया जाता है। स्वतंत्र लोगों को निश्चय ही यह देखना चाहिए कि जब शांतिपूर्ण स्थिति आ जाती है तो यह पुनः स्थापित हो जाता है। मध्य समय में यह विचार करना बेहतर हो सकता है कि आजादी क्या है तथा यह कहां तक वाकई में वांछनीय है। यह आजाद नहीं होने के लिए नतीजा निकाला जा सकता है। यानी आजादी क्या है, क्वेश्चन यहाँ क्या है कि आजादी क्या है, तो इस आजादी को हम समझने का प्रयास करते हैं। आइए सेकंड स्टेज हम लोग देखेंगे। कहता है व्हेन वी स्पीक ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस वी यूजुअली मीन फ्रीडम इन अ वेरी टेक्निकल एंड रेस्ट्रिक्टेड सेंस, नेमली फ्रीडम फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ सेंसरशिप बाय द गवर्नमेंट। इन दिस रिस्पेक्ट द ब्रिटिश प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन सिंगुलरली फ्री, इट कैन अटैक द पॉलिसी एंड पॉलिटिकल कैरेक्टर ऑफ मिनिस्टर इनफीरियर इन द डेलिकेट मशीनरी ऑफ फॉरेन डिप्लोमेसी, कंडक्ट कैंपेन्स टू सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, इनसाइट सिटीजंस टू डिसकंटेंट एंड रेबेलियन, एक्सपोज स्कैंडल्स एंड फॉमिट ग्रीवेंसेस एंड जनरली हैरी एंड बिलेबर द सर्वेंट्स ऑफ द स्टेट विद ऑलमोस्ट परफेक्ट लिबर्टी ऑन ओकेजन, इट कैन बिकम अ वीपन टू कोर्स द गवर्नमेंट टू कंफर्म टू व्हाट इट असर्ट्स टू बी विल ऑफ द पीपल। देखिए एक चीज समझाते हैं, बहुत अच्छी बात बताई गई है, समझिएगा कि हमारे यहाँ पे एक चीज समझने का बात देखिएगा कि जब हम लोग बात करते हैं, कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो व्यक्ति ठीक है जो व्यक्ति क्या बात जो व्यक्ति बुलेट पर ठीक है ना ध्यान देते हैं जो व्यक्ति बुलेट पर स्कॉर्पियो पर चलता है तो अपने आप को बड़ा महान समझता है और तो कोई सामने वाले को चीख भी देगा ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो बताया गया है इस चैप्टर में, यह बताया गया है कि फ्रीडम का मतलब क्या होता है। फ्रीडम का मतलब समझने के लिए तो तीन चीजों पर ध्यान दीजिएगा। चलिए तो मैं आपको बता रहा था कि फ्रीडम के बारे में इसमें बताई गई है कुछ चीजों को, सब आपके ध्यान से देखिएगा। एक बार ट्वेल्थ का जादू है उसको साथ साथ रीड करते रहिएगा, हम समझा देते हैं बड़ा आराम कर। देखिए कहता है कि जब हम प्रेस की आजादी के बारे में बोलते हैं तो हमारा तात्पर्य अक्सर तकनीक तथा सीमित अर्थ से होता है, वे नाम है दिशा से आजादी या सरकार के द्वारा दिखाए गए। इस ओर में ब्रिटिश प्रेस आम परिस्थितियों में अकेला स्वतंत्र होता है या नीति तथा मंत्रियों के राजनीतिक चरित्र पर चोट कर सकता है। विदेशी लूट या विदेशी कूटनीति को नाजुक शासन तंत्र से हस्तक्षेप कर सकता है, संविधान को गिरने के लिए अभियान चला सकता है, नागरिकों को असंतोष तथा राजद्रोह के लिए भड़का सकता है, कदम उजागर कर सकता है तथा सामान्यतः देश में नौकरी को लगभग पूर्ण स्पष्ट जनता को बार बार बताकर तंग कर सकता है या मार सकता है।
मौका मिलने पर यह सरकार को धमकाने के लिए एक हथियार भी बना सकता है, इस बात को पक्का करने के लिए या लोगों की चाहत होने के लिए क्या मांगता है या लोगों के लिए क्या बेटर हो सकता है। तो इस चीज को समझाने का प्रयत्न किया गया कि ब्रिटिश प्रेस एक ऐसा प्रेस है जो किसी भी चीजों में हस्तक्षेप कर सकता है, कहीं पर भी जाके उठाकर किसी भी चीजों को बोल सकता है, कोई भी स्कैंडल्स को, कोई भी नेता को। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। आप किसी को जाइएगा देखिए, हमारे यहाँ प्रेस रिपोर्टर का हत्या हो जाता है, हमारे यहाँ कोई अगर न्यूज़पेपर में कोई बात लिख देता है उसको धमकाया जाता है, उसके परिवार को अगवा कर लिया जाता है। तो ये सब चीज इंडिया में बहुत खराब है, जबकि बाहर में सारे लोग स्वतंत्र है। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर तक हम लोग सेकंड स्टेज तक हम लोग कम्प्लीट करेंगे, फिर आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट है हाउ फ्री द प्रेस, इसको जरूर देख लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।